हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला अक्सर न्यूज में रहता है। अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न का सबसे बड़ा जो धार्मिक त्योहारों में से एक है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि असम में के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, जहाँ पे जो वहाँ की प्रिसाइडिंग गॉडेस है, जिसे हम पीठासीन देवी भी कहते हैं, उनका वार्षिक रजो धर्म होता है। और इसी के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और जो कामाख्या टेम्पल है, वो जो है असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, जो गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, और ये मतलब 51 शक्ति पीठ में से एक है। तो 51 मतलब इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि जो महादेव जो भगवान है, उनकी पत्नी जो सती थी, तो सती के जो विभिन्न अंग जो जहाँ जहाँ गिरे, तो वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। उसी में से एक अंबुबाची मतलब कामाख्या मंदिर भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक तांत्रिक पंथ का मतलब प्राइम सीट्स भी माना जाता है, प्रमुख पीठ भी माना जाता है तांत्रिक पंथ का। और इसे जो है इसके मंदिर में जो गर्भगृह है, गर्भगृह में एक स्टोन है, पत्थर, जो योनि का प्रतीक है। और ये इसी तरीके का एक जो मतलब त्योहार जो सिमिलर कस्टम फॉलो किया जाता है केरल के अलेप्पी जिले में, जहाँ पर चेंगनूर महादेव मंदिर है, जिसे भगवती मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ भी ऐसे ही सिमिलर कस्टम को फॉलो किया जाता है। तो ये है अंबुबाची मेला। दूसरा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं, उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल को हिंदी में धनेश भी बोलते हैं। ये नागालैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि वहाँ के देशज योद्धा जो जनजातियों का सबसे बड़ा समारोह है। ये मतलब इंडिजेनस वॉरियर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे मनाया जाता है नागालैंड में। तो इसका मतलब एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, ये वहाँ की जो रिच कल्चर है, मतलब समृद्ध संस्कृति को रिवाइव एंड प्रोटेक्ट, मतलब पुनर्जीवित और संरक्षित करना, और इसकी जो परंपरा जो है उसका प्रदर्शन करना है। तो ट्रेडिशंस जो है वहाँ उसका वो प्रदर्शन करना है। इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक जो वर्ष जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मतलब आयोजित किया जाता है। और इस फेस्टिवल का नाम मतलब हॉर्नबिल पक्षी पर रखा गया है, जो हॉर्नबिल वहाँ की वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड बर्ड स्पेसिस इन द स्टेट, मतलब वहाँ का जो सर्वाधिक श्रद्धेय पक्षी प्रजातियों में से एक है हॉर्नबिल, जिसके नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। थैंक यू।